शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस वालों पर हमला हुआ है। पथराव में एक इंस्पेक्टर के घायल होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आगरा की बघेल बस्ती का यह पूरा वाकया बताया जा रहा है, जहां पर दुकानें बंद कराने के लिए गई थी पुलिस टीम, लेकिन उन्हीं पर हमला हो गया। तो तस्वीरें भी आ गई सामने। देखिए आगरा में कोरोना वॉरियर्स पर जो हमला हुआ है, कैसे एक इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, जिन्हें बाद में अस्पताल में ले जाया गया है। सर में चोटें आई हैं उनके। पथराव में इंस्पेक्टर के घायल होने की जानकारी है। दुकानें बंद कराने के लिए गए थे बघेल बस्ती में, और उसी दौरान पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें एक इंस्पेक्टर जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया और अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। आगरा में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का आगरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। 300 से ज्यादा मामले अभी तक यहां पर सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, और इसीलिए यहां पर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही जिसकी वजह से जरा सी चूक हो और आंकड़ा और बढ़े, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को देखिए किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।